मैं जमील अहमद, फार्मा द जर्नलिस्ट, अयोध्या उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से। और आज हम ये कुफरी नीलकंठ की बुआई करने जा रहे हैं। इसकी गुणवत्ता के बारे में बताएंगे कि पिछले साल कैसे पैदा हुआ, इसमें पैदावार कितना है, क्या इसमें फ़ायदे हैं लगाने के, तो अभी हम बताते हैं इसके बारे में। तो किसान साथियों, ये काली आलू आप देख रहे हैं, ये है कुफरी नीलकंठ। आलू तो सामान्यतः कई किस्म के होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ही कुफरी नीलकंठ के बारे में ही बताएंगे कि हाँ, इसको मैंने पिछले साल इसकी खेती किया था, अब की फिर इसके करने जा रहे हैं। इसके लिए मिट्टी बलुई दोमट इसमें कार्बनिक पदार्थों से भरपूर खेत होता है, जहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था वहीं पर आलू लगाना चाहिए। इसके लिए तापमान 15 से 25 बिल्कुल उपयुक्त माना गया है। और ये शिमला का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, वहीं से विकसित हुआ है। तो इसके बारे में जानकारी हमको बताएं कि एंथोसायनिन सबसे ज़्यादा होता है, यह शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। इस आलू में विटामिन सी, विटामिन B6, नियासिन, कोलिन और जिंक जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अच्छा, अलग अलग किस्मों में थोड़े अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, जैसे आलू कई प्रजातियाँ, सोलोनेसी परिवार का ये एक शाकाहारी पौधा है। अच्छा, इसमें जो है कुफरी थार 3 है, कुफरी लालिमा है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी गंगा है, कुफरी गरिमा है, तमाम किस्म के हैं। लेकिन आज हमारी बात होगी सिर्फ ये नीलकंठ की, कुफरी नीलकंठ। तो ये इसको बताते हैं भाई, ये शुगर फ्री भी है और ये मार्केट में अच्छे रेट में बिकता भी है। इसकी पैदाइश बहुत ज़बरदस्त है, ये मान के चलिए कि 450 कुंटल प्रति हेक्टेयर की इसकी पैदाइश है, जबकि दूसरे आलुओं की पैदाइश 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो हमारी राय है किसान भाइयों कि आप लोग जो है एक बार थोड़ा सा एकाध कट्टा बो करके देखें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा इसका। तो इसकी खेत की तैयारी इससे इस हिसाब से करें कि जो है पहले खूब अच्छी तरीके जुताई कर लें और इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालें, खूब भुरभुरा कर लें, कोई कीटनाशक भी इसमें डाल दें ताकि दीमक वगैरह या कोई कीड़े ना लगें। और उसके वो आलू की बुआई करने के बाद दो तरीके से बोया जाता है, एक मेड़ी वाला, एक पट। तो आलू की बुआई करने के बाद पेंडामेथिलीन का जो है आप छिड़काव कर देंगे तो अनचाही घासें नहीं जमेंगी। और अगर खेत में नमी है तो 10-12 दिन के बाद इसकी सिंचाई करें, और नहीं तो अगर नमी नहीं है तो 3 से 4 दिन के अंदर इसकी सिंचाई कर दें। और उसके बाद में 2-3 सिंचाई में ये बिल्कुल हो जाता है, बहुत ही फायदेमंद खेती है ये। तो इसी के साथ ही हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से अनुरोध है कि फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय किसान, जय विज्ञान।